और हमने इसमें स्टार्टिंग कर दिया था माया नायडू के बारे में, हमने पढ़ा था ना, राइट? सर, यस तो सर। हु वाज माया नायडू, टेल मी। एन अफ्रीकन गर्ल, अफ्रीकन 11 ईयर गर्ल, ओल्ड। वेरी गुड वेरी गुड। 11 ईयर ओल्ड एंड अफ्रीकन गर्ल, है ना? कल क्लास क्यों नहीं आई थी? सभी को मालूम है? यस सर। ओके, तो यहाँ से स्टेट करना है क्या? हर मदर स्टेट दैट साउथ अफ्रीका वाज द यस लीडर। सर, हाँ यस सर, यही स्टार्ट करना है। कंफर्म करें, कंफर्म करें बेटा, आप लोग कहाँ से कंफर्म स्टार्ट करना है? हर मदर सर, जब माया एक्सप्लेन द नायडू डैड। की मम्मी समझाती हूँ उनको। अच्छा ठीक है, देखेंगे इसमें। हर मदर एक्सप्लेन, यही थे ना? यस यस सर। तो देखिए, माया नायडू एन 11 ईयर गुड ओल्ड मॉर्निंग साउथ, सर। गुड मॉर्निंग, एन 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन इन जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि माया नायडू वेयर वॉज लिविंग, तो आप बताएंगे जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। है ना? साउथ अफ्रीका में रह रही थी, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साउथ अफ्रीका किस कॉन्टिनेंट में आया था? तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया भी था कि ये अफ्रीका है, इस पूरे अफ्रीका। ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है साउथ अफ्रीका। इस कंट्री के अंदर जोहान्सबर्ग एक शहर है, जोहान्सबर्ग में माया नायडू रहती है, ठीक है ना? माइक म्यूट कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। ओके सर। चलिए हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है? अब आप लोग पहले पढ़िए, फिर जिसमें पूछना है क्वेश्चन। देखिए, माया नायडू कर क्या रही थी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहती है, एंड शी वाज सर्चिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स, एक्चुअली वो एक बॉक्स देखा उसने, है ना, साफ कर रही थी, और उसको वहां पर कुछ बुक मिली जिसमें पूरा पिक्चर्स थी, न्यूज़पेपर्स के कुछ आर्टिकल पड़े हुए थे, समाचार वाले जो पेपर आर्टिकल्स होते हैं। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय, लेकिन पिक्चर में उसने देखा था कि कुछ स्कूल बॉय के पिक्चर्स हैं, है ना, और वो किस एज के हैं? 15 ईयर्स ऑफ एज के। किस एज के हैं? 15 ईयर्स ऑफ एज के हैं, जबकि 11 ईयर्स की कौन है? माया नायडू है। लेकिन 15 ईयर्स की पिक्चर कैसे? माया नायडू थोड़ा सा परेशान लग रही थी कि ये मैं तो 11 ईयर्स की हूँ, मेरी फोटो इसमें है नहीं, और मेरे स्कूल की फोटो भी नहीं है, तो किस स्कूल की फोटो है ये, और ये 15 ईयर्स के बॉयज का ग्रुप ये कैसे यहाँ पर है ना? तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। और जब उसने उसने पूछा अपनी माँ से, तो उसकी माँ ने बताया कि ये वो लड़का है जिसका नाम है हेक्टर पीटरसन। क्या नाम बताया था? हेक्टर पीटरसन नाम बताया था पिक्चर वाले जो बॉय का, जो स्कूल में लड़का था, ठीक है ना? एंड उसकी माँ ने ये भी बताया कि ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, उसको पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई थी। जैसे ये सुना माया ने, तो माया बहुत शॉक्ड, माया शॉक्ड, बहुत शॉक्ड हो गई, है ना? और उसने पूछा, क्यों भाई, गोली क्यों मार दिया पुलिस ने, है ना? तो हर मदर फ्रेंड, उसकी माँ ने फिर आगे बताया कि दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय द अपार्टाइड लॉ, ठीक है? अब उसकी माँ ने बताया कि पहले जो साउथ अफ्रीका था, मतलब ये घटना उस समय की है जब साउथ अफ्रीका में चल रहा था, लेकिन माया नायडू अब किस समय पे है, माया नायडू और उसकी माँ किस समय पे हैं, जब वो घटना उस समय अब बंद हो चुकी है। इसका मतलब ये है घटना कुछ पुरानी हो चुकी है, उस पुरानी घटना की चर्चा कर रही है, और उसमें कहती है कि वहां पर कौन सा लॉ था, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अपार्टाइड लॉ। ये जो अपार्टाइड का मतलब क्या होता है बेटा? रंग भेद। अपार्टाइड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद का मतलब मैंने कल आपको बताया हुआ था कि अफ्रीकन जो पीपल थे वो थोड़ा ब्लैक उनको बोला जाता था, काले लोग थे। भारतीय जो लेबरर थे, इंडियन लेबरर, भारतीय मजदूर, इंडिया के भी लोग अफ्रीका में गए थे काम करने वाले, वो लोग भी वहां पर मजदूरों की तरह काम कर रहे थे, वो भी ब्लैक उनको बोला जाता था। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे इंग्लैंड, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड में, वहां से जो लोग आए थे वो अपने आप को व्हाइट बोलते थे। व्हाइट, व्हाइट का मतलब अंग्रेज, व्हाइट का मतलब कोई व्हाइट रंग नहीं, व्हाइट का मतलब यहाँ पर अंग्रेजों से था।
और वो अपने आप को अंग्रेज बोलते थे, और वो मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि इंग्लैंड के जो लोग थे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं शासन किए हुए थे, भारत में भी शासन किए हुए थे इंग्लैंड के लोगों को ही, तो आप लोग अंग्रेज बोलते हैं ना, व्हाइट बोलते हैं, भारत में भी शासन किए हुए थे, अफ्रीका में भी गए थे, अमेरिका में भी शासन किए हुए थे। अब सोचिए आज जो अमेरिका है, पहले उस अमेरिका के ऊपर इंग्लैंड का ही शासन था, कब्जा किया हुआ था, है ना, कॉलोनी बनाया हुआ था वहां पे। तो अफ्रीका में क्या था, कौन सा लॉ था, अपार्थीड, ठीक है ना, इसका मतलब ये था रंग भेद, मतलब नस्ल भेदी, यानी कि अगर ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं तो उसके साथ अच्छा व्यवहार, अगर हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं है तो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है ना। अब देखिए अफ्रीकन लोगों का ही देश है साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के ही लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ये उस समय की बात है। तो ऐसे कानून बने हुए थे वहां पर, है ना, कि अपने लोगों को तो ठीक है कुछ नहीं कहते थे, लेकिन दूसरे जो दूसरे रेस के थे, धर्म के थे, है ना, उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता था। उस समय की बात बता रही है कौन, नायडू की मदर, है ना, माया नायडू की मदर। देखिए अपार्टीज का मीन्स क्या है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्टीज, तो आप अंडरलाइन करिएगा, आपका आंसर भी यही से होगा कि अपार्टीज मीन्स होता है सेपरेशन ऑफ बेसिस ऑफ रेस, सेपरेशन ऑफ बेसिस ऑफ रेस, रेस का मतलब दौड़ने वाली रेस नहीं, रेस का मतलब यहाँ पर नस्ल भेद से है, जात भेद से है, कि आप किस रिलीजन के हो, किस धर्म के हो, आप किस कंट्री के हो, है ना, आप लोग हमारे ग्रुप के नहीं हो, इस आधार इस बेस पर दूसरे को अलग कर देना, ये बातें। तो वही बातें आगे देखने के लिए मिलती हैं कि साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। इस तरह से आप देख लीजिए कि साउथ अफ्रीका में ही किस तरह के लोग थे, तो उनको डिवाइड किया गया था व्हाइट, व्हाइट का मतलब मैंने बताया है आपको, अंग्रेजों की बात चल रही है, अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड देश के रहने वाले लोग, इंग्लैंड के लोग। ब्लैक का मतलब जो अफ्रीका के रहने वाले लोग थे उनको ब्लैक, इंडियंस भी थे, भारतीय भी वहां पर थे, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से बहुत सारे मजदूर काम करने गए थे अफ्रीका में, जिस समय आपका देश गुलाम था, अंग्रेजों की कैद में था, उस समय बहुत से लोग अंग्रेजी दासता से मुक्त पाने के लिए बाहर चले गए थे, अफ्रीका में काम करने चले गए थे। क्यों, क्योंकि अफ्रीका में बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं, है ना, खदाने हैं वहां पर कोल की, है ना, पेट्रोलियम की बहुत सारी खदाने हैं, मिनरल्स बहुत सारे हैं, वहां काम बड़े आसानी से मिल जा रहा था। कलर्ड रेसेस, रंग के आधार पर, इस तरह से अफ्रीका में इस प्रकार के लोग थे, और इसी को रेस कहा जाता है, और रेस कहा जाता है, और अपार्टीज का मीन्स होता है सेपरेशन ऑफ बेसिस ऑफ रेस, इसको याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, अब जो अकॉर्डिंग टू द लॉ मतलब समझ रहे हैं, ये वाला लॉ, ये जो यहाँ मैंने अंडरलाइन करवाया था ना अपार्टीज लॉ, ये अपार्टीज लॉ का मतलब यहाँ से बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, यहाँ से अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो आप लोग उसको कैसे कनेक्ट कर लेंगे, आप लोग उसको मैं बता रहा हूँ कैसे अटैच कर लेंगे जानकारी के लिए अपने लिए, तो बोल सकते हैं आप लोग। देखिए ये यहाँ पर अपॉर्टिव लॉ दिया हुआ है ना, ये इस लॉ के बारे में एक्सप्लेन दिया हुआ है, कहाँ से, ये यहाँ से दिया हुआ है, क्या होता है ये कानून। यहाँ पर तो केवल अपॉर्टिव का मीन्स बताया गया है कि क्या मीनिंग होती है उसकी, वो तो एक अलग बात हो गई, ये बात अलग है सेपरेशन ऑफ बेसिस ऑफ रेस अपार्टीज का मीन्स, लेकिन अभी कानून कैसा क्या है अभी आप देखेंगे इसको, ठीक है ना। ये देखिए इसका कहता है कि दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर, टू और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज, यानी इस कानून के अकॉर्डिंग दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल, आप कभी साथ में एक दूसरे के साथ में नहीं अपना रह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के पास में नहीं रह सकते हैं, है ना, और टू यूज कॉमन फैसिलिटीज, आप कोई सरकारी जो कॉमन फैसिलिटीज होती हैं उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे सड़कें हो गई, बसेस हो गया, आप बसेस पर आप आराम से जाके नहीं बैठ सकते कि बस जा रही है आप चढ़ के बैठ जाओ, ट्रेन जा रही है आप घुस के बैठ जाओ, वहाँ पर कॉमन फैसिलिटीज से सबको दूर रखा जाएगा। कहीं पर कुछ मान लीजिए रोड से आप लोग वहाँ पर खुले में आराम से ऐसे नहीं आप घूम सकते हो, मतलब जितनी भी कॉमन फैसिलिटीज थे उससे उनको दूर रखा गया था, है ना। तो माया कुड नॉट बिलीव हर इयर्स, माया जब सुन रही थी अपनी माँ की बातें, तो उसको अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता था क्या पहले,
माया मदर साउंडेड एंग्री, माया की जो माँ है बोलते बोलते नाराज हो गई. व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्टीज, जब वो अपार्टीज के बारे में बता रही थी उस पुराने कानून के बारे में, तो बोलते बोलते उसकी आंखों में गुस्सा आ गया माया की माँ के, है ना. एंड सी टोल्ड माया, उसने माया को बताया कि इन दोज डेज, उन दिनों क्या हॉस्पिटल्स वर सेपरेट. अब सोचिए उन दिनों क्या होता था, हॉस्पिटल्स वर सेपरेट. लेकिन क्या आज हॉस्पिटल सेपरेट होते हैं? नहीं, हॉस्पिटल सेपरेट तो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ऐसे तो होते हैं. लेकिन कोई ऐसा हॉस्पिटल सुना है कि जिस हॉस्पिटल में कुछ ही लोग जा सकते हो, कुछ लोग नहीं जाएंगे? ऐसे हॉस्टल तो नहीं होते हैं. हॉस्टल होते हैं वहां पर सभी प्रकार के लोग जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकते हैं, मुस्लिम भी जा सकते हैं, क्रिश्चियन भी जा सकते हैं, है ना, काले हो या गोरे हो कोई भी जा सकते हैं, है ना, किसी भी कलर के हो, गरीब हो, पुअर हो या रिच हो, कोई भी हो वहां जा सकता है. तो पहले ऐसा साउथ अफ्रीका में नहीं था. हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज, है ना. एम्बुलेंस भी सेपरेट थी. एंड एम्बुलेंस मीट, एम्बुलेंस का मतलब था मीट व्हाइट पीपल, यानी एम्बुलेंस अगर होती थी तो केवल व्हाइट पीपल्स के लिए ही होती थी. वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड, है ना, विल ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड, उसके मतलब एम्बुलेंस बिल्कुल इक्विप्ड, मतलब उसमें सब कुछ होता था. लेकिन वो किसके लिए होती थी? अंग्रेजों के लिए, व्हाइट के लिए होती थी. वाइल वन मेड फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट, कोई भी जो ब्लैक पीपल है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. ब्लैक का मतलब बिल्कुल पूरा काले नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा सा कलर डाउन तो होता ही था, इसलिए उनको ब्लैक कह देते थे. देखिए कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी वीडियो ऑन नहीं है, तो मुझे उनको रिमूव करना पड़ेगा, है ना. तो आप लोगों का जो वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे उसको आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा. आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था. अभी भी सकीब है, उनका वीडियो ऑन नहीं है. देखिए अंजने पांडे, इनका वीडियो ऑन नहीं है. उत्कर्ष शुक्ला है, है ना. आप लोग कहानी सुन रहे हो लेकिन वीडियो ऑन नहीं करते हो. ये क्लास में वीडियो ऑन करके ही पढ़ाई करनी थी. उत्कर्ष शुक्ला, वीडियो ऑन रखें बेटा, अदरवाइज यू विल बी डिस्टर्ब्ड ऑफ दिस क्लास. हाँ अंजने पांडे, तुम्हें डेली कहना पड़ता है बेटा. अंजने आपको डेली कहना पड़ता है मुझे, है ना, कि बेटा ऑन कर लो. अंजने, आप अंजने पांडे, आवाज आ रही है मेरी? चलिए तो एन लिविंग एस टू थाउजेंड वी आर लिविंग इन द टाउन. हाँ ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से पढ़ रहे थे ना. तो आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में किस तरह से लोगों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा था, कि हॉस्पिटल एम्बुलेंस भी सेपरेट होते थे और बस स्टॉप भी वही चीज में जो मैंने आपको बताया ना, कॉमन फैसिलिटीज, यही है कॉमन फैसिलिटीज. में हॉस्पिटल आ गए आपके और इवन बस स्टॉप वर डिफरेंट, अलग अलग बस स्टॉप होते थे. सोचिए अंग्रेजों के लिए अलग बस स्टॉप होता था और जो बाकी अफ्रीकन होते थे ना, इंडियंस होते थे, उनके लिए अलग बस स्टॉप होता था. लेकिन क्या आज ऐसा है? आज तो बस स्टॉप अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन हर बस स्टॉप में कोई भी जा सकता है. लेकिन पहले ऐसे बस स्टॉप में ऐसे कोई जा नहीं सकता था, राइट. ये भी आप लोग याद रखेंगे. नाउ व्हाइट वर नॉट अलाउड टू द वोट, नॉर व्हाइट, मतलब अगर आप व्हाइट नहीं है, व्हाइट का मतलब अगर आप अंग्रेज नहीं है, इंग्लैंड वाले नहीं है, तो आपको वोट देने का राइट भी नहीं था. लेकिन क्या आज ऐसा है? आज आपके इंडिया में भी ऐसा नहीं है और अफ्रीका में भी ऐसा नहीं है. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर व्हाइट पीपल, यानी कंट्री के जो बेस्ट लैंड होते थे ना, अच्छी अच्छी जमीनें जो होती थी, जो अच्छे शहर होते थे, वहां पर केवल व्हाइट पीपल ही रहते थे. एंड नॉन व्हाइट्स हैड टू लिव इन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो नॉन व्हाइट्स हैं, नॉन व्हाइट्स का मतलब जो लोग अंग्रेज नहीं है, इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, उनको कहाँ रहना पड़ता था? वर्स्ट अवेलेबल लैंड, यानी जहां उबड़ खाबड़ वाली जमीन होती थी, वहां उनको घर बना के रहना पड़ता था. सो दस द ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू द इक्वल टू व्हाइट्स. इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी. On a black township was a southwestern township. On a black township, एक black township was a southwestern township. यानी Soweto. So Hector Presenton lived here. याद रखिएगा, one black township, एक black township के नाम से, मतलब एक black township के नाम से famous था
भाई वहां पर ज्यादातर लोग ब्लैक लोग रहते थे। ब्लैक का मतलब मैं जब बोलता हूँ समझ में आ जाता है ना, ब्लैक का मतलब, ब्लैक का मतलब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ब्लैक का मतलब समझिए जो अफ्रीका के लोग थे और जो इंडियंस जाके वहां रह रहे थे, बाकी जो लोग रह रहे थे वो सारे ब्लैक है और जो अंग्रेज है वो अपने आप को व्हाइट कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बार बार कंफर्म नहीं करेंगे हम। तो ऑन अ ब्लैक टाउनशिप वॉज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, ठीक है ना, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप यानी मतलब साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में एक शहर था जहां पर सारे ये लोग रहते थे, उसका नाम देखे दिया गया स्वेटो दिया गया है, वहीं पर ये हेक्टर पीटरसन रहता था। अब हेक्टर पीटरसन की कहानी सुनिएगा, ये हेक्टर पीटरसन कहां रहता था, वहीं रहता था। एंड ही एंड हिज क्लासमेट, वह और उसका जो उसके जो फ्रेंड थे, ज्वाइन द प्रोटेस्ट, उन्होंने एक आंदोलन में भाग ले लिया प्रोटेस्ट में अगेंस्ट द लर्निंग अफ्रीकन लैंग्वेज इन द स्कूल, ठीक है ना, अफ्रीकन लैंग्वेज इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में जो अफ्रीकन लैंग्वेज की जो अफ्रीकन लैंग्वेज जो सीख रहे थे ना, उसके अंगेज में उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ था। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्कूल, और ये जो लैंग्वेज है देखिए वो अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं, अफ्रीकांस है, अफ्रीकांस, तो अफ्रीकांस लैंग्वेज के विरोध में थे, जो अंग्रेज बोलते थे, अपन अंग्रेज बोलते थे उस लैंग्वेज के विरोध में थे। तो दिस वॉज द लैंग्वेज, वही लैंग्वेज थी जिसे कौन बोलता था, वाइट स्कूल, वाइट बोलते थे। अब देखो क्लास का 15 इयर्स के हैं तो, और उनके जो फ्रेंड हैं स्कूल में पढ़ते भी हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उनको जब ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती है सिखाई जाती है तो उसका विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट, हेक्टर और उसके जो दूसरे विद्यार्थी हैं, वर बींग फोर्स टू लर्न दिस लैंग्वेज, उनसे जबरदस्ती ये लैंग्वेज उनको सीखने के लिए कहा जा रहा था। But they wanted to learn their own language, Zulu. लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते थे, Zulu लैंग्वेज सीखना चाहते थे। अंडरलाइन करिएगा Zulu में, Zulu में अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Hector Peterson और बाकी लोग कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते थे, तो Zulu लैंग्वेज सीखना चाहते थे। ये Zulu लैंग्वेज उसी अफ्रीका में बोली जाती है, अफ्रीका साउथ अफ्रीका के उस जोहान्सबर्ग में बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, सोवेटो में जहाँ पर ये रहते थे उसी को सीखना चाहते थे। लेकिन उनसे कौन सी लैंग्वेज सीखने के लिए कहा जा रहा था, जो वाइट स्पोक जो बोलते थे। मतलब साउथ अफ्रीकन पीपल बीट अप साउथ अफ्रीकन पुलिस, सॉरी साउथ अफ्रीकन पुलिस, जब साउथ अफ्रीकन पुलिस को पता चला तो उन्हें बीट अप मतलब पिटाई किया, प्रोटेस्टर्स थी, प्रोटेस्टर मतलब जो लोग विरोध कर रहे थे इस लैंग्वेज का, अफ्रीकांस का जो विरोध कर रहे थे, उनका उनकी पिटाई की गई बच्चों की। और कैसे पिटाई की गई, हल्की फुल्की पिटाई नहीं की गई, मर्सीलेसली, मर्सीलेसली का मतलब निर्ममता पूर्वक, मतलब इस तरह पिटाई की गई मतलब देखकर कोई रोने लगे, है ना, इतनी निर्ममता के साथ पिटाई की गई। एंड शॉट एट द क्राउड, और भीड़ पर गोलियां चला दी गई, जब भीड़ नाराज होने लगी कि भाई इतनी बुरी तरह से आप कैसे पीट सकते हैं, सारे भीड़ के लोग, भीड़ में बच्चे थे, सब नाराज होकर भीड़ पुलिस का विरोध करने लगे, तो उन्होंने ऐसे है ना फायरिंग कर दिया ऊपर और भीड़ पर ही गोली चला दी। हुआ क्या, उन्हीं में से एक गोली, वन ऑफ दियर बुलेट, उन्हीं में से एक गोली किल्ड द हेक्टर, हेक्टर को लग गई और हेक्टर क्या हो गया, किल हो गया, है ना, मर गया। दिस वॉज वन ऑफ 16 जून 1976, अभी ये भी डेट याद कर लीजिए कि दिस वॉज ऑन 16 जून 1976, ये घटना कब की है, 1976 की है, याद रखिएगा 1976 की है। क्या इस दिन आपका इंडिया आजाद हो गया था, बिल्कुल आपका इंडिया आजाद हो चुका था, 1947 में ही आपका इंडिया फ्री हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में अभी भी आजादी वहां पर नहीं मिली थी, वहां पर लोग परेशान थे, है ना। लेकिन हमारा देश उस समय आजाद हो चुका था 1976 में, क्योंकि हमारा देश तो 1947 में ही फ्री हो गया था, पता है ना आपको, 15 अगस्त आने वाला है 15 अगस्त 1947 को ही आपका देश आजाद हुआ था, ये भी कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं कि 1947 ईयर और 15 अगस्त को आपका देश आजाद हो गया था, फ्री हो गया था, ठीक है, किन से, ब्रिटेन से, है ना, अंग्रेजों से, वाइट से। और ये घटना कब की है, 1976 की है, तो ये भी आपको ये लर्न हो गया होगा। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब देखिए यहां से समझिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का मतलब समझ रहे हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहां की जो एक पार्टी थी, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह था, हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टाइड, इसने लड़ाई छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। ये हमारे यहाँ की पार्टी नहीं है, ये अफ्रीका की पार्टी है, अफ्रीका में रहने वाली पार्टी। जब उसको पता चला कि फायरिंग हो गई, कुछ बच्चे भी उनको गोली लग गई, तो अब धीरे धीरे पार्टियां क्या कर रही हैं,
सरकार का विरोध कर रही हैं, है ना। एंड दे आर मोस्ट वेल नोन लीडर, और वहां पर जो सबसे पॉपुलर लीडर थे उनका नाम है नेल्सन मंडेला। अंडरलाइन करिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम अंडरलाइन करिए सभी लोग, तुरंत अंडरलाइन करिए बुक में, और इनका नाम याद रखिएगा। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अफ्रीका में अपार्टीज के खिलाफ लड़ाई किया, जिन्होंने अफ्रीका में अपार्टीज के खिलाफ लड़ाई किया, अपार्टीज लॉ यानी जो नस्लभेदी लड़ाई थी उसके खिलाफ लड़ाई किया। तो आप लोग याद रखिएगा नेल्सन मंडेला का नाम, यही से नेल्सन मंडेला को लिख नोट कर लीजिए, नेल्सन मंडेला फॉर द अपार्टीज सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे और फाइनली अंत में क्या हुआ, दे सक्सीडेड, इनको सफलता मिली। एंड इन द 1994 में, सफलता कब मिली, 1994 में साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल। और इस तरह से साउथ अफ्रीका में भी क्या आ गया, इक्वालिटी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, वहां पर भी सभी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार होने लगा। अब आप मुझे बताएं कि जो भी मैं आपको अभी तक बताया वो समझ में आया आपको, यू कैन स्पीक नाउ। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा तो मुझे बताइए कि अपार्टीज लॉ के खिलाफ कौन से व्यक्ति लड़े, नेल्सन मंडेला। और इनको सक्सेस कब मिलती है, कब सक्सेस हुए, 1994। वेरी गुड, लेकिन आप मुझे बताइए कि हेक्टर पेटरसन को गोली कब लगी थी, है ना, 16 जून 1976। वेरी गुड। अच्छा आपका कंट्री इंडिया कब, इंडिया कब फ्री हुआ था, आजाद कब हुआ, 3 अगस्त 1947। इसका मतलब अब हमारे देश के बाद, हमारा देश तो यहाँ से फ्री हो गया था, लेकिन अब अफ्रीका क्या फ्री हुआ था, साउथ अफ्रीका क्या फ्री हुआ था, नो सर। तो ये कब फ्री होता, नो सर, पूरी तरह से कब फ्री होता, 1994 में। क्या अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है, वेरी गुड वेरी गुड। तो जब डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाती है तो क्या होता है फिर, ये दिया हुआ है, विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल, जितने भी अलग अलग रेसेस के लोग हैं समान लेने लगे। हाँ तो ये पैराग्राफ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पार्टिसिपेशन, जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेशन को, और कल इसको स्पीड से चैप्टर को कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सर। बाय सर। किसी को पूछना है, नो सर।